आचार संहिता के उल्लंघन के चलते सीएम योगी पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। ये वैन खत्म होते ही सीएम योगी अपने चुनावी मोड में आ गए, जिसके बाद उन्होंने संभल इटावा का दौरा किया, विपक्ष पर जमकर बरसे भी। सीएम योगी ने संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछली सरकारें कब्रिस्तान के लिए पैसा देती थी, श्मशान के लिए नहीं, लेकिन हम सभी के लिए पैसा दे रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दो चरण को चुनावी स्कोर भी गिना दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बैन खत्म, प्रचार शुरू, चुनावी मोड में आए सीएम योगी, अब छेड़ा शमशान कब्रिस्तान का राग, यूपी में बड़ी जीत का किया दावा। लोकसभा केरल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सीएम योगी पर लगा 72 घंटे का बैन भी हट गया है। इसके बाद सीएम योगी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। अपने ऊपर से चुनाव प्रचार के लिए हटे प्रतिबंध के बाद सीएम योगी संकट मोचन की शरण में पहुंचकर पूजा अर्चना करने पहुंचे। अपने प्रचार अभियान का श्री गणेश मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के दिन अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर में दर्शन करके किया। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में आए भक्तों ने भगवान राम और योगी के नारे लगाए और ट्वीट कर हनुमान जयंती की बधाई भी दी। इसमें उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी में मेरी अटूट आस्था है और संकट मोचन में इस आस्था के बीच कोई नहीं आ सकता। उनका दृढ़ संकल्पित समर्पित जीवन मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। फिर से चुनाव प्रचार शुरू करते ही सीएम योगी ने चुनावी मौसम में सियासी फिजा में अलग रंग घोलने की कोशिश की। यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा उठा था, जो कि फिर एक बार उठा, और इसी मुद्दे को लेकर पिछली सरकारों पर योगी ने निशाना साधा। सीएम योगी ने संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारें कब्रिस्तान के लिए पैसा देती थी, शमशान के लिए नहीं, लेकिन हम सभी के लिए पैसा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दो चरण का चुनावी स्कोर भी गिना दिया। इसमें उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को 0 सीटें दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जो दो चरणों में 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, वो सब की सब बीजेपी के खाते में आएंगी और कांग्रेस समेत गठबंधन को 0 हासिल होगा। उत्तर प्रदेश में दो चरणों के चुनाव हुए हैं, 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगर परिणाम जाने के उत्सुक होंगे तो समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और उत्तर प्रदेश में 16 की 16 सीटें दो चरणों की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही है? मायावती जी का भाषण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सहारनपुर में, तब भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ, सपा बसपा गठबंधन को वोट दो। लेकिन भाइयों बहनों, हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति मत और मजहब के आधार पर वोट दो। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में पूछना चाहता हूं, क्या संभल में बिजली मिलती थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 साल से बिजली तो मिल रही होगी ना, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है ना। ये जो गुंडे आकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, एसिड अटैक करते थे, आज कर पाएंगे? आज नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे दो ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। जहां सरकारें भेदभाव करती रही हो कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देंगे, शमशान घाट के लिए नहीं देंगे, हमारी सरकार ने भेदभाव समाप्त किया। हमने कहा अगर कब्रिस्तान को पैसा मिलेगा तो शमशान घाट के लिए भी पैसा हम बजट से देंगे। सीएम योगी के भाषणों से लगने लगा है कि आने वाले दिनों में वो बयानों के जरिए सियासी पारा और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इनमें वो कभी सपा बसपा गठबंधन और आरएलडी पर निशाना साधते हैं तो कभी कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। लेकिन ये भी पूरी संभावना है कि वो जिस छवि के लिए मशहूर है वो भी बरकरार रहेगी, जिसका आगाज उन्होंने संभल रैली से कर दिया है।
इसमें सियासत और धर्म का संगम है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की ये रणनीति बीजेपी के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगी, ये बात देखने वाली है, जिसका पता 23 मई को ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।